students, welcome you all in your subject social science. Okay, let's continue our workbook solution. So open your workbook, page number 88. What are the local self-government organized called? Okay, तो local self-government है उसे क्या कहते हैं? So the institute which administrative local self-government are called the local self-government. मतलब कि जो आम जनता के लिए जो सिंपल वहाँ की जो सरकार काम करती है that is called local self-government. Okay, so that is the one kind of institute, that is the administration. मतलब यहाँ का पूरा जो वहीवट जो कारोबार होता है वो जो संभालते हैं, सो दैट इज एडमिनिस्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर कॉल्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, पूरी बॉडी जैसे कि ग्राम पंचायत हमने देखा ना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वो सब. विच आर द विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी देखा हमने कि विलेज में कौन से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, तो कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ओके, आर द विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमने देखा था विलेज और सिटी लेवल. नेक्स्ट, विच आर द सिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सिटी लेवल में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन. ओके, आर द सिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. वॉट आर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, यस, हाउ मैनी मेंबर्स, तो जो मेंबर्स ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, सो दे आर द इलेक्टेड बाई द पीपल, और कितने होते हैं, 8 और मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16 मेंबर्स. ओके, द नंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत मेंबर्स इज मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16. ओके, व्हाट आर द नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द सरपंच इलेक्टेड, सरपंच कैसे इलेक्टेड होते हैं, द सरपंच इज इलेक्ट थ्रू द डायरेक्ट वोटिंग by all the registered voters of the village. मतलब गांव के जो लोग जिसका registration as a voter हुआ है, मतलब कि voting आप 18 years के बाद कर सकते हैं, वो हमने हमारा जो government का first chapter था उसमें हमने सीखा था, right? chapter 15 में कि 18 years के बाद आप voting करने के लिए आप allowed हो. okay, तो आपका name वहाँ पे register होता है, तो जो वोटर्स हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं. ओके, सो द सरपंच इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स. ओके, वोटर्स ऑफ विलेज, गांव के लोगों के थ्रू वो सिलेक्ट होके आगे आते हैं. व्हाट इज कॉल्ड विलेज सेक्रेटरिएट, विलेज सेक्रेटरिएट क्या है, ये हमने वो एमसीक्यू में भी देखा था. तो दैट इज द प्लेस है ना, क्या है, दैट इज द प्लेस, द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द विलेज सेक्रेटरिएट, जो ग्राम पंचायत की ऑफिस है दैट इज कॉल्ड विलेज सेक्रेटरिएट. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेन यूनिट कौन सा है, तो द मेन यूनिट इज ग्राम पंचायत, क्योंकि वहीं से बेस स्टार्ट होता है. ओके, ग्राम पंचायत और सिर्फ फिर कुछ ग्राम पंचायत को हैंडल करने के लिए तालुका पंचायत, और फिर कुछ तालुका पंचायत के ऊपर जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसे हम बोलते हैं, राइट. व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यस, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स कितने होते हैं, मतलब कि कम से कम कितने और ज़्यादा कितने. ओके,
तो कितने होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, याद है ना? देखो पहले याद रखो कि 8 से 16 तक ग्राम पंचायत थे, बराबर। तो 16 से 32 तालुका पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के वहाँ से 32 से स्टार्ट करो, मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू गिव जस्टिस एट द लोकल लेवल? चलो, लोकल लेवल में जस्टिस, न्याय कौन करते हैं? सो सोशल जस्टिस कमिटी। क्या होती है? अलग अलग कमिटीज होती है, हमने सीखा था ना? तो सोशल जस्टिस कमिटी एंड लोक अदालत वर्क टू गिव जस्टिस एट द लोकल लेवल। हु हैंडल द एंटायर, सॉरी, हु हैंडल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी? चलो, म्यूनसिपैलिटी के पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, ओके, वो कौन हैंडल करते हैं म्यूनसिपैलिटी में? तो द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपैलिटी हैंडल्स द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, ओके। म्यूनसिपैलिटी के जो प्रेसिडेंट है वो, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी कॉल्ड? यस, म्यूनसिपैलिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसे क्या कहते हैं? द चीफ ऑफिसर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, ओके। क्या कहते हैं उसे? चीफ ऑफिसर, बराबर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालते हैं उसे कहते हैं चीफ ऑफिसर, और जो म्यूनसिपैलिटी के जो हेड है वो है प्रेसिडेंट, ओके। नाउ अपन नेक्स्ट पेज। चलो, हु इलेक्ट्स द मेयर? मेयर को कौन इलेक्ट करते हैं? सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन इलेक्ट द मेयर विथ अ मेजोरिटी ऑफ देयर ऑन, ओके। तो जो कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी इलेक्ट है, ओके, वोटिंग थ्रू वो आते हैं, फिर वो मेंबर्स में से ही जो मेजोरिटी, जो जिसे वोटिंग होता है उसमें वो मेयर बनते हैं, ओके। चलो, मतलब मेंबर्स में ही कोई एक मेंबर को वो सिलेक्ट करते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट? यस, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मेन, एंटायर डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है वो कौन है मेन? सो कौन है डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है कौन है? सो एंटायर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, कलेक्टर इज द हेड ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट, बराबर। अगर ठीक से आपने जो चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो ठीक से देखे होंगे तो आप इसके आंसर मेरे साथ ही दे पाएंगे, ओके। ही होल्ड्स द पोजीशन एट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ओके। ये दोनों का वर्क एज अ पोस्ट वो करते हैं, कलेक्टर होते हैं पर वो सब कुछ हैंडल करते हैं। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तालुका लेवल? तालुका लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कौन है? एंड हाउ वी सिलेक्टेड, और वो कैसे सिलेक्ट होके आए होते हैं? सो द मामलतदार इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तालुका लेवल। तालुका लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? मामलतदार। एंड ही इज सिलेक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। जीपीएससी बोलते हैं, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। और प्रमोशन, या तो उसमें आगे जाके प्रमोशन जिसका हुआ हो, ओके, तो वो मामलेदार बनते हैं और मामलेदार उसके हेड होते हैं। हाउ इज जस्टिस डन इन लोक अदालत? लोक अदालत में कैसे न्याय मिलता है? सो इन द लोक अदालत जस्टिस इज डन ऑन द स्पॉट बोथ फर्स्ट एंड एक्सपेंसिवली, ओके। इनएक्सपेंसिवली मतलब एक तो देखो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो लोग
कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, मनी वेस्ट ना हो, इसलिए लोकल एरिया पे जैसे लोक अदालत अरेंज की जाती है, और उसमें दोनों पार्टीज होती है, उनको इक्वल उनकी बात सुनी जाती है और उनको फिर न्याय दिया जाता है। ओके, इन अ सेटिस्फैक्ट्री एंड जो उनका मतलब उनको संतोष मिले। ओके, ऐसे एंड काउंसिलरी मैनर्स की ठीक से सुन के उनकी पूरी बात एज इट इज, मतलब जैसे कोर्ट में सुनी जाती है ऐसे ही ठीक से सुन के काउंसिलरिटी हर ठीक से करके फिर दोनों पार्टीज को ऐसे न्याय मिला जाता है, दिया जाता है। ओके, तो ऐसे लोक अदालत का काम होता है। ओके, चलो, हु हैव इस्टेब्लिश लोक अदालत परमानेंटली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात? यस, गुजरात में जो लोक अदालत है जो परमानेंटली इस्टेब्लिश किया है, तो कहाँ पे है? तो गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद हैव इस्टेब्लिश लोक अदालत परमानेंटली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। बराबर, तो दोनों का वर्क है, गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट, दोनों ने लोक अदालत को परमानेंटली, क्योंकि जो बाकी लोक अदालत होती है वो एरिया वाइज ऐसे कभी कभी अरेंज होती है, पर जो परमानेंटली आपको लोक अदालत चाहिए तो वो गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे है। ओके, चलो, तो वो अरेंज करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, वॉट आर द फंक्शंस ऑफ तलाटीकम मिनिस्टर? तलाटीकम मिनिस्टर पता है ना कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। तो उनका मेन वर्क क्या होता है, मेन फंक्शंस? तो फंक्शंस ऑफ तलाटीकम मिनिस्टर्स आर द हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ओके, जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ लेटर्स, बुक्स, ये सब। ओके, एंड द कलेक्ट टैक्सेस, मेक्स रिपोर्ट्स ऑफ द ग्राम पंचायत एंड प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी जो ग्राम पंचायत का जो वर्क है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना और टैक्सेस कलेक्ट करना। ओके, फिर प्रिपेयर्स फॉर्म्स, जो कुछ फॉर्म्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, उनके सब फॉर्म्स होते हैं, उनको फॉर्म्स को बनाना, उनको रिकॉर्ड्स करना कि कितने कितने लोगों का क्या मतलब बॉर्न हुआ है, कितने डेथ है, वो सब रिकॉर्ड्स, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तलाटीकम मिनिस्टर करते हैं। ओके, एंड द मेन पॉइंट इज द बजट, बजटरी अकाउंट्स, मतलब कितना खर्च होता है, वो सब डिटेल ये तलाटीकम मिनिस्टर रखते हैं। ओके, मेंशन एनी फाइव फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। यस, ग्राम पंचायत के कोई पांच फंक्शंस हमें लेने हैं। तो देखो, ग्राम पंचायत क्या वर्क करते हैं पता है आपको? मेन वर्क तो वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो उनके मेन फंक्शंस जैसे कि फर्स्ट, गिव द नंबर ऑफ ईच हाउस एंड विलेज, घर का नंबर देना। ओके, सोसाइटी ऐसे होती है ना, तभी तो इलेक्शन में वो सब प्रॉब्लम नहीं होता है कि एरिया वाइज वार्ड बने ऐसे। एंड द अरेंज द हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, सबको पानी प्रोवाइड करना। ओके, जो मेंटेन्स द रोड्स। ओके, एंड द मेंटेन्स द हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज इन द विलेज, एंड द अरेंज स्ट्रीट लाइट इन द विलेज, और फिर प्राइमरी स्कूल, वो सब एजुकेशन का भी ज़रूरी है। ओके, सो दैट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, सबको मतलब समझाए महत्व क्या है, सब बच्चों को भेजे, वो सब मतलब कि विलेजर्स को समझाए। तो दैट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ओके, सबको पानी प्रोवाइड करना, रॉड्स, हाउसेस, स्ट्रीट लाइट, ये कंपलसरी है, कुछ चीज़ें जो होती है वो उनको ऐसे वर्क करना होता है। ओके, और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन,
जैसे कि हमने बोला ना कि अभी तलाटी कम मिनिस्टर वो ये सब फॉर्म्स रेडी रखते हैं कि कितने बच्चों का बर्न हुआ, ओके, किसकी डेथ हुई, वो सब, ये सब रिकॉर्ड्स तो ग्राम पंचायत के थ्रू वो होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।